हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सूजी रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ा ही यूनिक रेसिपी है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और घर में पड़े इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सूजी रोल बनाने के लिए हमने एक बॉल सूजी लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमें एक बड़ा सा कढ़ाही ले लेना है। गैस को हमें ऑन करना है और हम जिस बॉल से सूजी का मेजर करेंगे उस बॉल से हम इसमें दो बॉल पानी डालेंगे। तो हमने ऐसा ही बॉल से माप किया है सूजी का, तो इससे हम दो बॉल पानी डालेंगे। तो ये रहा एक बॉल और ये दूसरा। पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल। उबलते हुए पानी में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक को पानी में अच्छे से घोल लीजिए। पानी उबल चुका है और नमक तेल भी पड़ गया। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसे ऐसे चलाते जाएंगे, क्योंकि हमें ये सूजी की नॉर्मल तेल नमक में डो तैयार करना है। इसमें ज्यादा कुछ डालना नहीं है। तो आप देखेंगे कि दो मिनट में ही अपनी सूजी सारे पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी और एक डो का रूप पकड़ लेगा। तो हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। सूजी रोल बनाने के लिए हमें प्लेन डो ही तैयार करना होता है, नहीं तो इसमें हम मिर्च वगैरह डालते, क्योंकि इसकी स्टफिंग जो होगी वो काफी चटपटी होगी। तो आप देख सकते हैं सूजी ने अपने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है और ये डो का रूप पकड़ लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक कांच का बॉल लिया है और उसमें ये डो को निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा और हम इसी कढ़ाही को साफ करके इसमें अपना स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ज्यादा बर्तन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है इस रेसिपी में। तो हमने ये डो को खाली कर लिया। रवा डो खाली करके हमने कढ़ाही गैस पे रख लिया है। हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें दो चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई का शील। हम अच्छे से तड़कने देंगे जीरा और मस्टर्ड को। आप सुन सकते हैं अपने जीरा और राई से आवाज आने लगा है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ही प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। स्टफिंग में प्याज आपको खाना है तो डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्टफिंग चटपटी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी होता है। प्याज के साथ ही हम डालेंगे दो बड़ी हरी मिर्च हमने काट लिया है और एक इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक कूट लिया है। इसे भी हम डाल के प्याज के साथ भूनेंगे। तो हमें 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं अपना प्याज मिर्च हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक कटोरी फ्रोजन मटर। अगर आपकी मटर खड़ी हो, ताजी हो, तो उसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और इसमें हम मटर डाल दिए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। चटपटी हो इसके लिए हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अपने अनुसार ऐड कीजिए। और हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। सबको यहाँ पे हम कुछ सेकंड के लिए भूंजेंगे। मसाले को हम कुछ मिनट के लिए मटर के साथ भूनेंगे। फ्लेम हम स्लो रखेंगे और अब यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से अपनी प्याज और मटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी।
तो ध्यान रहे हमने डो में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो यहाँ स्टफिंग में भी हम अंदाज से ही नमक डालेंगे। नमक की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सूजी रोल का टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम इसे धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे। हमने मसाले को 2 मिनट तक भून लिया है प्याज के साथ। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी अपनी स्टफिंग बहुत चटपटी तैयार होगी। और 1 चम्मच हम गरम मसाला भी डाल लेंगे। गरम मसाला डालने से इसमें अच्छा सा खुशबू आता है, इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं अपना प्याज, मिर्च, अदरक और ये बटाना दबा के मैं दिखा देती हूँ, बटाना भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छे से हमें इसे भून लेना है। हमने मसाले के साथ बटाना, प्याज सबको अच्छे से पका लिया है। ये पकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिलिंग अपनी जो है कच्ची कच्ची लगेगी, फिर मजा नहीं आएगा। तो आप इसका कलर देखिए, इसको प्रेस करके चेक कर लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स पके हुए हैं। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे हम 4 बड़े आलू को बॉयल करके, पील करके और टुकड़े में तोड़ रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। हम इसे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि हमें बिल्कुल ड्राई डो तैयार करना है, हमें बिल्कुल सूखा सूखा स्टफिंग तैयार करना है। तो हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से आलू के पानी को सुखाएंगे। सबको पता है उबले हुए आलू में हल्का सा मॉइस्चर होता है, और वो प्याज नमक में पड़े तो थोड़ा सा और ये गीला हो जाता है। तो ये भी प्रोसेस हमें अच्छे से करना है, चलाते हुए आलू का मॉइस्चर सुखाना है, इससे स्वाद भी आ जाएगा और बढ़िया स्टफिंग भी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं आलू में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, यानी कि ये स्टफिंग एकदम खिला खिला तैयार हुआ है। हमें ऐसे ही स्टफिंग तैयार करना है। और फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से कोई भी सब्जी हो, स्टफिंग हो, उसका तो स्वाद बढ़ ही जाता है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो भी आलू अपना टुकड़ा में था वो मैसी मैसी हो गया है, तो हमें स्टफ करने में आसानी रहता है। अब हम धनिया पत्ता अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। तब तक हमने जो सूजी का डो तैयार किया था वो नॉर्मल ठंडा हो चुका है, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं उसे। आप देख सकते हैं अपनी रवा जो हमने पानी में बॉयल करके डो जैसा बनाया था वो हल्का ठंडा हो चुका है, यानी कि हमारा हाथ सह लेगा इतना ही ठंडा हुआ है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और हाथ को ऐसे ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, और इसे हम थोड़ा सा मसलेंगे, यानी कि एकदम स्मूथ डो तैयार करना है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक मसल लेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने हाथ को ग्रीस करके रवा के डो को ऐसे मुट्ठी बना बना के ऐसे मसल दिया है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। हमें ऐसे ही चिकना डो तैयार कर लेना है। अब चलिए हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसमें से छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। तो लोई हम अपने मनपसंद का तोड़ लेंगे, हाथ में ग्रीस कर लेंगे आप तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। हम यहाँ पे आपको 4 रोल बना के दिखा दे रहे हैं। तो हमने 1 साइज के 4 रोल तोड़ लिए हैं। अब हम ये बॉल को साइड करके यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट रखेंगे। हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक का शीट रख लिया है, हमारे पास जस्ट ये तेल का पैकेट खाली हुआ था तो हमने उसे काट लिया। आप कोई भी प्लास्टिक का शीट ले लीजिए। अब हम ये लोई को ऐसे सीट पे रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करके हमें ये बेलन की मदद से इसे चौरस तैयार करना है। हम घुमाते हुए आसानी से ऐसे बेल लेंगे। आपको जितना बड़ा रोल बनाना है उतना बड़ा लोई लीजिए और डो को फैला दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने इसे
चौकोने में फैलाया है। अब हमने जो डो तैयार किया था उसका भी हमें मुट्ठी से ऐसे रोल बनाएंगे। जितना बड़ा हमारा ये सीट है उतना बड़ा रोल बना लेंगे। ये स्टफिंग हम अच्छे से फिल करेंगे तभी जाके ये खाने में टेस्टी लगेगा। हमने किनारा थोड़ा सा छोड़ दिया है, हम हाथ को फिर से धो लेंगे। अब हम एक किनारे से ऐसे सीट को उठाएंगे और धीरे धीरे इसे रोल कर लेंगे। लास्ट में हम इसे ऐसे घुमाते हुए प्रेस करते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। किनारे से इसका मुंह हम ऐसे सील कर लेंगे और फिर हम सीट पे थोड़ा सा इसे चला देंगे, क्योंकि जो किनारे में अपना बचा था वहां भी अपना स्टफिंग पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सूजी रोल तैयार हुआ है। ऐसे ही हम सीट को बनाते हुए साइड करते जाएंगे। जितना रोल बनाना है हम एक साथ में बना लेंगे। फिर हम दूसरा भी आपको दिखा दे रहे हैं। लोई को हमने प्लास्टिक पे ऐसे फैला लिया। एक बेलन की मदद से हम इसे एक चौकोर सीट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बेला जा रहा है। अब फिर हम स्टफिंग लेंगे और इसको ऐसे रोल तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी अपनी पूरी तैयार हुई है सूजी की उतनी बड़ी रोल तैयार करेंगे और ऐसे बीचों बीच रख देंगे। एक किनारे से हम धीरे से उठाएंगे और इसको ऐसे रोल कर लेंगे। दोनों मुंह को हमें ऐसे सील कर देना है। हमने साइड से ऐसे चिपका दिया और ये पार्ट चिपका दिया। फिर हम इसी प्लास्टिक पे ऐसे थोड़ा सा रोल कर देंगे, जो किनारे अपनी स्टफिंग नहीं पहुंची होगी वहां तक अच्छे से पहुंच जाएगी। तो ये अपना दूसरा सूजी रोल तैयार हुआ। ऐसे ही हम सभी रोल्स तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमने चार रोल तैयार कर लिया है। गैस पे हम कड़ाही में तेल गरम कर लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कड़ाही में तेल गरम हो चुका है। तेल अपनी अच्छी खासी गरम होनी चाहिए। उसी में हम अपने एक एक रोल्स को ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये फ्राई हो रहा है। एक बार में हम दो रोल डाल रहे हैं। एक साइड से हम 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर आपको फ्लिप करके दिखाएंगे। 1.5 मिनट हो चुका है, चलिए हम इसे फ्लिप करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना कड़ाड़ेदार रोल तैयार हो रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरे साइड से भी हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक सेक लेना है। हमने उलट पलट के अपने सूजी रोल को सेक लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। ये कड़ाड़ेदार हो चुका है। अब हम इसे झड़ने की मदद से टेढ़ा करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरा रोल फ्राई करेंगे। तेल गर्म ही है, हम धीरे धीरे अपने रोल्स को इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही सुंदर नाश्ता तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने सभी बड़े छोटे रोल्स को फ्राई करके तैयार कर लिया। ये कितना कड़ाड़ेदार रोल्स तैयार हुआ है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सूजी रोल्स बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मैदे से नहीं बना है, इसके लिए हेल्दी भी है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।